झारखंड में जीत के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है, जो कि बेहद ही चौंकाने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में हों, लेकिन उनका मनोबल लाखों गुना ज्यादा है और उसी मनोबल और उसी आत्मविश्वास की वजह से झारखंड में कम एक सीट तो आ गई। झारखंड में जीत के बाद लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी अब लगातार कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। आना भी लाजमी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए बड़ी बड़ी रणनीति बना रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जेल में जाने के बाद लोगों की जो बुद्धि होती है वो चार गुना ज़्यादा चलने लगती है। भले वो चार दीवारी में बंद हों, लेकिन दिमाग सातवें आसमान पर होता है। झारखंड में झामुमो नेतृत्व वाले गठबंधन की सफलता से उत्साहित हैं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। उन्होंने बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने को कहा है। बिहार में एक साल के भीतर ही विधानसभा चुनाव होना है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है। चारा घोटाला मामले में रांची में सजा याफ्ता लालू प्रसाद का संदेश उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता तक पहुँचा दिया है। ये उनके जीत का मंत्र था। तेजस्वी ने झारखंड की राजधानी रांची में एक अस्पताल में भर्ती अपने पिता से मुलाकात की। जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वहां एक अस्पताल में इलाजरत हैं। अस्पताल में लालू से मुलाकात कर आने के बाद तेजस्वी ने कहा कि झारखंड के परिणाम का असर बिहार पर पड़ेगा। लालू जी ने बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया है कि झारखंड में आपने जितनी मेहनत की उससे भी चार गुना मेहनत अब हम करेंगे और बिहार में भी जीत का परचम लहराएंगे। इसके अलावा दिल्ली में भी किला फतेह करने का ठान लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो जोशो खरोश और जो उत्साह लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में भरने की कोशिश की है, क्या कार्यकर्ता उस पर खड़े उतर पाते हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं को ही अब सब कुछ देखना है, समझना है और कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर है कि आगे क्या कुछ होगा। तो देखते हैं ये जीत का मंत्र कितना कारगर होता है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।